कहानी की शुरुआत होती है अजय से। अजय बहुत छोटा है, वो भागता भागता डॉक्टर के पास आता है और हाथ जोड़कर विनती करता है कि चलकर उसकी माँ को देख लीजिए। डॉक्टर अजय की माँ को देखने आता है और जांच के बाद बताता है कि अजय की माँ को एक गहरा सदमा लगा है जिससे वो उबर नहीं पाई है। अपनी माँ के बारे में ये सुन अजय बहुत दुखी होता है। अपनी माँ की देखरेख के लिए अजय कच्ची उम्र में ही काम करना शुरू कर देता है। अजय जूठे बर्तन मांजता है, जूते पॉलिश करता है, गाड़ियाँ साफ करता है। अपनी चुप पड़ी माँ की तीमारदारी करते हुए अजय अपनी रोती हुई माँ से वादा करता है कि तू क्यों रोती है माँ, रोना तो उसे है बहुत। अजय की आँखें बदले और गुस्से से भर जाती। अजय के सीने के अंदर एक आग लगी थी जो धीरे धीरे धधक रही थी। अजय अपने बक्से से कुछ पुराने फोटोज निकालता है और उसे देखकर फेंक देता है। ये गिरती हुई तस्वीरें शायद उसी शख्स की थी जिसने अजय और उसकी माँ की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। अजय की आंखों में बदले की आग दिखाई दे रही है। कई साल बीत जाते हैं, अजय बड़ा हो जाता है। अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाते उठाते अजय अब एक होनहार लड़का बन चुका है। अजय की माँ अभी तक ठीक नहीं हुई है। अजय अपनी माँ को खाना खिलाते खिलाते रो देता है। बचपन से ही अजय अपनी माँ की ममता के लिए तरसता रहा है। अजय अपनी माँ को एक मौसी की देखरेख में छोड़कर किसी दूसरे शहर निकलने वाला है। अपने घर से निकलते हुए अजय को ज़मीन पर एक सिक्का नज़र आता है। अजय उस सिक्के को उंगलियों में ले लेता है और ऊपर उछालता है और बाजीगर फिल्म शुरू होती है। बाजीगर का असल मतलब है मौत का खेल खेलने वाला, ऐसा खेल जिसमें केवल जीतना ही पड़ता है, वरना हारने वाले को मौत ही मिलेगी। अजय बस के इंतज़ार में हाईवे पर खड़ा होता है, तभी उसका एक दोस्त उसे देखकर आवाज़ देता है। अजय का ये दोस्त था विकी मल्होत्रा। विकी मल्होत्रा अजय को बताता है कि कुछ साल पहले एयरप्लेन क्रैश में उसके माँ बाप मर गए थे। विकी मल्होत्रा अजय से पूछता है कि वो बंबई क्यों जा रहा है। अजय जवाब देता है कामयाबी की तलाश में। अब कहानी की अगली कड़ी शुरू होती है। सीमा चोपड़ा, जो शहर के एक बहुत बड़े रईस आदमी मदन चोपड़ा की बेटी है, अपने कॉलेज पहुंचती है। सीमा अपनी सबसे जिगरी दोस्त अंजलि को आवाज़ देती है। अंजलि सीमा के चेहरे की रंगत देखकर उसे पूछती है कि आखिर चक्कर क्या है, किसका इंतज़ार रहता है तुझे। पर सीमा अंजलि की बात को काट देती है। फिर सीमा मिलती है रवि से। रवि सीमा का दोस्त था जो सीमा से मन ही मन प्यार करता था पर कभी बोल नहीं पाया। रवि सीमा से कहता है कि वो सीमा के लिए क्लास नोट्स लिख लेगा। सीमा क्लास बंक करके गार्डन जाती है जहां अजय उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अजय और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं और सीमा को देखकर लगता है कि वो अजय से इतना प्यार करती है कि वो अपनी जान भी दे सकती है। अजय और सीमा खूब मस्ती करते हैं, खूब नाच गाना करते हैं। अजय से मिलने के बाद सीमा अपने घर आती है जहां प्रिया चोपड़ा उसका इंतज़ार कर रही होती है। सीमा और प्रिया एक दूसरे की जान थे। वो दोनों एक दूसरे से अपने मन की हर बात शेयर करते थे। प्रिया कई दिनों बाद घर आई थी। अब कहानी में आता है मदन चोपड़ा, सीमा और प्रिया का पापा, एक बेहद ही सख्त बिजनेसमैन जिसके लिए दुनिया केवल नफ़ा नुकसान का खेल है। मदन चोपड़ा छोटी सी गलती के लिए अपने स्टाफ को खूब डांटता है। पैसे के नशे में डूबे लोगों से और कुछ उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। मदन चोपड़ा के जीवन की दो धुरी थी, एक उसकी दो मासूम बेटियां और दूसरी उसका कारोबार। मगर मदन चोपड़ा का एक बहुत अजीज शौक भी था, कार रेसिंग का। मदन चोपड़ा डिनर पर अपनी बेटियों को बताता है कि वो एक आखिरी बार कार रेसिंग में हिस्सा लेने जा रहा है। मगर सीमा कहती है कि वो कार रेस देखने आ नहीं सकती। मदन चोपड़ा अपनी बेटी प्रिया के साथ कार रेस में पहुंचता है। मदन चोपड़ा का दोस्त कुलकर्णी बताता है कि 32 नंबर का ड्राइवर बहुत काबिले तारीफ है, हो सकता है कि ये रेस वो जीत जाए। इस 32 नंबर के ड्राइवर का नाम है विकी मल्होत्रा। कुलकर्णी की बात सुनकर
प्रिया तुरंत जवाब देती है कि ये सिक्की विक्की पिक्की मेरे डैड के सामने टिक नहीं सकते। ये 32 नंबर का ड्राइवर होता है अजय या शायद विकी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रेस शुरू होती है। रेस में केवल दो लोगों पर सबकी नज़रें टिकी होती हैं, एक हमेशा से जीतते आ रहे मदन चोपड़ा पर और दूसरी 32 नंबर के ड्राइवर पर यानी मिकी मल्होत्रा पर। पर विकी मल्होत्रा मदन चोपड़ा से आगे निकल जाता है। सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये रेस विकी ही जीतेगा, मगर अचानक विकी की कार स्लो हो जाती है और ये रेस मदन चोपड़ा जीत जाता है। मदन चोपड़ा अपनी जीत पर खुद दंग है। मदन चोपड़ा कुलकर्णी से कहता है कि वो 32 नंबर के ड्राइवर से मिलना चाहता है। तभी 32 नंबर का ड्राइवर मदन चोपड़ा को आवाज़ देता है। सर से हेलमेट निकालकर पसीने से तर पतर अपने चेहरे को झाड़ता सामने आता है विकी मल्होत्रा। विकी को देखकर प्रिया सुन रह जाती है। मदन चोपड़ा विकी से पूछता है कि क्या तुम्हारी कार खराब हो गई थी। विकी जवाब देता है, नहीं, मैं जानबूझकर हारा हूँ क्योंकि मैं आपका एक फैन हूँ। विकी की बातों से मदन चोपड़ा बहुत इंप्रेस हो जाता है। विकी बताता है कि वो एक कार डीलर है। मदन चोपड़ा विकी से कहता है कि उसे प्रिया के लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदनी है। विकी वादा करता है कि वो बम्बई आकर प्रिया को एक बढ़िया स्पोर्ट्स कार दिखाएगा। फिर विकी जाने लगता है, मगर प्रिया उसे आवाज़ देती है और उससे बात करती है। विकी अपने अंदाज से प्रिया को कहता है कि असल में वो ये रेस इसलिए हारा क्योंकि प्रिया ने कहा था कि कोई भी सिक्की विक्की पिक्की उसके पापा को हरा नहीं सकता। प्रिया के मन को विकी का अंदाज बहुत पसंद आता है। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए इतना बड़ा कोई काम किया था। जाते जाते विकी प्रिया को कहता है कि वो रेस हारा नहीं बल्कि प्रिया की दोस्ती जीता है। हार करके भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या अजय ही विकी है? क्या अजय मदन चोपड़ा तक पहुंचने के लिए सीमा और प्रिया को जरिया बना रहा है? क्या मदन चोपड़ा ही वो आदमी है जिससे अजय बदला लेना चाहता है? शायद हाँ। कहानी आगे बढ़ती है। प्रिया मन ही मन विकी को अपना दिल दे बैठती है। प्रिया अपनी मन की बात सीमा को बताती है कि उसे प्यार हो गया है। प्रिया सीमा से कहती है कि अगर सीमा उस लड़के को देखेगी तो 20वें माले से छलांग लगा देगी। अगले रोज़ विकी प्रिया को टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। प्रिया विकी के साथ फ्लर्ट करती है। विकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। प्रिया विकी को परेशान करने के लिए उसे नारियल पानी लाने को कहती है और कार लेकर भाग जाती है। कुछ आगे बढ़ने के बाद प्रिया की भिड़ंत होती है कुछ आवारा लड़कों से। ये बदमाश आवारा लड़के प्रिया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। प्रिया उनसे जान बचाकर भागती है। भागते भागते प्रिया एक पार्क में पहुंचती है जहां विकी होता है। विकी बड़े ही हंसी मजाक के साथ उन बदमाशों को पीटता है, पर यहां विकी का एक अलग रूप देखने को मिलता है। एक बदमाश विकी को चाकू से हमला करता है। विकी की आंखें बदल जाती। अब ये लड़ाई का रूप मारना पीटना से ज़्यादा जान बचाना हो जाता है। विकी के अंदर का गुस्सा इतना भयानक होता है कि वो अपने बेल्ट से बदमाशों की चमड़ी छील लेता है। प्रिया उन बदमाशों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात होती है करण से। करण एक इंस्पेक्टर है जो प्रिया के साथ कॉलेज में पढ़ता था। करण मन ही मन प्रिया से प्यार करता था। करण से मिलने के बाद प्रिया सीमा से मिलने चली जाती है। सीमा अपनी दोस्त अंजलि की बर्थडे पार्टी अटेंड कर रही है। पार्टी में कॉलेज के सभी दोस्त होते हैं। अजय भी आता है, पर अजय कमरे के बाहर ही रहता है। सीमा उसे अंदर बुलाती भी है पर वो अंदर नहीं आता। अंजलि सीमा को कहती भी है कि अपने दोस्त को अंदर बुला ले, पर तब तक अजय जा चुका होता है। सीमा फिर बाहर अजय से मिलती है। अजय सीमा को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। उधर मदन चोपड़ा सीमा की शादी तय कर देता है अपने ही तरह किसी एक अमीर आदमी के बेटे से। जब सीमा को अपने रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। वो अजय को सारी बात बताती है। अजय सीमा को समझाता है कि अभी उसकी कोई हैसियत या पोजीशन नहीं है कि वो सीमा के पापा से शादी की बात कर सके। सीमा रोते हुए अजय से कहती है कि अगर वो बात नहीं कर सकता
तो खुद सीमा ही अपने पापा से बात कर लेगी। सीमा की इस बात पर अजय कुछ देर सोच में पड़ जाता है। अजय सीमा से मिलता है और सीमा से कहता है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। अजय सीमा से कहता है कि हम लोग खुदकुशी कर लेंगे। सीमा इस काम के लिए तैयार हो जाती है। अजय और सीमा एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो अपने खुदकुशी की वजह बताते हैं। अजय और सीमा दोनों लेटर लिखने के बाद उस पर अपना साइन करते हैं। सीमा के साइन करते ही अजय जोर जोर से हंसने लगता है। अजय सीमा का लेटर रख लेता है और सीमा से कहता है कि वो तो बस सीमा का इम्तिहान ले रहा था। अजय सीमा से वादा करता है कि वो अगले दिन ही सीमा से कोर्ट मैरिज करेगा। अगले रोज अजय और सीमा तैयार होकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं, पर ऑफिस में लंच टाइम हो जाता है। अजय सीमा को कहता है कि ऊपर टेरेस पर जाकर समय काटते हैं। अजय और सीमा रजिस्ट्रार ऑफिस के टेरेस पर जाते हैं। सीमा को ऊंचाई से डर लगता था, वो टेरेस से नीचे देखकर घबरा जाती है। फिर सीमा अजय से पूछती है कि वो कौन सा तोहफा है जो शादी के बाद पति अपनी पत्नी को देता है। असल में सीमा ने ऑर्डर देकर एक मंगलसूत्र बनवाया था जिसमें उसकी और अजय की फ़ोटो लगी है। अजय वो मंगलसूत्र लेकर रख लेता है। फिर अजय सीमा को अपनी गोद में उठा लेता है और टेरेस की रेलिंग पर बैठा देता है। सीमा अजय से घबरा कर कहती भी है कि उसे वर्टिको है, ऊंचाई से उसे चक्कर आते हैं। अजय सीमा की कदमों पर बैठ जाता है और सीमा का पैर अपने हाथों में लेकर कहता है कि नई नई दुल्हन अपनी नई दुनिया में कदम रखते ही पुराने बंधनों से आज़ाद हो जाती है। अजय की आंखें बदल जाती है। फिर अजय कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। दुल्हन सी सजी मुस्कुराती हुई सीमा को अजय टेरेस पर से नीचे फेंक देता है। चीखती चिल्लाती सीमा जमीन पर गिरकर दम तोड़ देती है। लोगों की भीड़ सीमा को घेर लेती है। अजय ऑफिस से बाहर निकलता है सीधा तना हुआ, बिना किसी पछतावे के सीधा चलता जाता है। अजय सीमा का सुसाइड लेटर लेटर बॉक्स में डाल देता है। सीमा की लाश की तफ्तीश करण करता है। तभी प्रिया वहां पहुंचती है विकी के साथ। प्रिया सीमा की लाश को देखकर सदमे में चल जाती है। विकी प्रिया को संभालता है और उसे ले जाता है। सीमा के मौत पर मदन चोपड़ा के घर लोग सांत्वना देने आते हैं। मदन चोपड़ा से पुलिस कमिश्नर मिलता है और मदन चोपड़ा को कहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि सीमा ने आत्महत्या की है। प्रिया को कमिश्नर की बात का भरोसा नहीं होता। फिर करण प्रिया को सीमा का सुसाइड लेटर दिखाता है। सुसाइड लेटर देखकर भी प्रिया को यकीन नहीं होता कि सीमा ऐसा कर सकती है, पर सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीमा ने खुदकुशी की है। अभी तक सब कुछ अजय के प्लान के मुताबिक चल रहा है, मगर कहानी नया मोड़ लेती है। प्रिया के घर एक जौहरी आता है जो प्रिया को बताता है कि सीमा ने कुछ दिन पहले एक मंगलसूत्र बनवाया था। प्रिया का शक सही निकलता है, सीमा की मौत के पीछे किसी और का हाथ है, शायद उसी लड़के का जिसके लिए सीमा ने मंगलसूत्र बनवाया था। प्रिया अपने पापा को सारी बात बताती है और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने को कहती है, मगर मदन चोपड़ा ये करने से इनकार कर देता है। मदन चोपड़ा प्रिया से कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू हुई तो पूरी दुनिया के सामने उसकी खूब बेइज्जती होगी। प्रिया एक ज़िद्दी लड़की है, वो हार नहीं मानेगी। प्रिया करण से मदद मांगती है। प्रिया करण को बताती है कि मरने से पहले सीमा ने एक मंगलसूत्र बनवाया था। हो सकता है जिस लड़के से सीमा शादी करना चाहती थी उसी ने सीमा को टेरेस से धक्का देकर मार डाला। मगर करण सबूतों की बात करता है। करण प्रिया को कहता है कि मैरिज ब्यूरो में सीमा चोपड़ा नाम की किसी भी लड़की का रजिस्ट्रेशन नहीं था। सीमा के पर्स से कोई मंगलसूत्र भी नहीं मिला। और सबसे अहम बात कि सीमा छुपकर शादी ही क्यों करना चाहती थी। करण के पास सबूत तो थे, पर प्रिया के पास विश्वास था। प्रिया करण से कहती है कि अगर सीमा को अपनी जान लेनी ही थी तो वो खुद को गोली मार सकती थी, पर छत से कूदना ये काम सीमा नहीं कर सकती थी। प्रिया सीमा के कॉलेज जाती है और सीमा की दोस्त अंजलि से मिलती है। प्रिया अंजलि से पूछती है कि क्या कोई ऐसा लड़का था
जिससे सीमा प्यार करती थी। अंजलि प्रिया को बताती है कि कॉलेज के बाहर का तो पता नहीं, पर कॉलेज में रवि था जिससे सीमा का मिलना जुलना था। प्रिया और अंजलि की सारी बातें कोने में खड़ा होकर अजय सुन रहा था। प्रिया रवि से मिलती है। रवि बताता है कि अंजलि के बर्थडे पार्टी में उसने कुछ फोटोज खींचे थे, जिसमें शायद एक लड़के की फोटो है जिससे सीमा कॉलेज के बाहर मिलती थी। रवि प्रिया को अपने हॉस्टल लेकर आता है और प्रिया को बाहर वेट करने को कहता है। रवि वो फोटो निकाल लेता है, पर तभी अचानक अजय उस पर हमला कर देता है। अजय बड़ी ही बेरहमी से रवि का गला घोंटता है। रवि अजय का चेहरा देखकर खौफ खा जाता है। अजय रवि को एक कागज पर साइन करने को कहता है। फिर अजय उस कागज पर कुछ टाइप करता है, बड़े ही शांत और आत्मविश्वास से। प्रिया वेट करते करते थक जाती है और फिर वो रवि के रूम आ जाती है। रवि के रूम आते ही प्रिया रवि की लाश कमरे में लटकता हुआ देखती है। क्राइम सीन पर करण आता है और प्रिया को बताता है कि रवि ही सीमा का कातिल था। मरने से पहले रवि ने एक लेटर टाइप किया था जिसमें उसने अपना सारा गुनाह कबूल किया। प्रिया को उसकी बहन की मौत का पता चल ही गया। अजय ये सब दूर से देख रहा है। सब कुछ अजय के प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अजय अपने घर आता है और आईने में खुद को देखकर अपने इंतकाम को फिर से याद करता है। इंतकाम अपनी माँ की बदहाली का। अजय मदन चोपड़ा को कहीं का नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। समय बीतता है और प्रिया के मन का घाव भरने लगता है। प्रिया विकी को लेकर अपने पापा के ऑफिस आती है। मदन चोपड़ा विकी से कहता है कि वो विकी और प्रिया की मंगनी कराएगा। मदन चोपड़ा विकी से कहता है कि वो अपने माँ बाप को बुला ले ताकि मदन चोपड़ा उनसे प्रिया की शादी की बात कर सके। माँ बाप को बुलाने की बात पर विकी मदन चोपड़ा से वही बात कहता है जो असली विकी मल्होत्रा ने अजय से कहा था। विकी कहता है कि कुछ साल पहले एयरप्लेन क्रैश में उसके माँ बाप नहीं रहे। फिर मदन चोपड़ा विकी को अपनी कुर्सी पर बैठने को कहता है और चोपड़ा एम्पायर को संभालने में बराबर का हिस्सेदार बना लेता है। आज अजय को उसकी पहली मंजिल मिल चुकी है जिसका इंतज़ार उसे इतने दिनों से था। आज अजय ने अपने दुश्मन का विश्वास हासिल कर लिया है। अजय मदन चोपड़ा की कुर्सी पर बैठता है और याद करता है अपनी माँ के साथ हुए जुल्म को। अजय जब छोटा था तब उसके पापा शहर के बड़े रईस आदमी थे। अजय की एक छोटी सी बहन भी थी। अजय के पापा बहुत दरिया दिल थे जो गरीब लोगों की हमेशा मदद करते थे। अजय की माँ भी दूसरों का दुख नहीं देख पाती थी। मदन चोपड़ा अजय के पापा का एक मुलाजिम था जिसने धोखाधड़ी करके अजय के पापा को धोखा दिया था। अजय के पापा ने मदन चोपड़ा को अरेस्ट करवा दिया था। ये बात मदन चोपड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाया। भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर मदन चोपड़ा अजय के पापा के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगता है। अजय की माँ उसे माफ़ कर देने को कहती है। बस यही गलती अजय के पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। मदन चोपड़ा धीरे धीरे अजय के पापा का विश्वास जीत लेता है और पावर ऑफ अटॉर्नी पाकर शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हथिया कर चोपड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज बना देता है। अजय का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। आज अजय ने भी मदन चोपड़ा का विश्वास जीता है। जल्द ही अजय भी मदन चोपड़ा को बर्बाद कर देगा। फिलहाल आज अजय चोपड़ा एम्पायर को अपने जूतों तले रख कर सुकून से बैठ रहा है। अजय की इंतकाम की राह इतनी भी आसान नहीं थी। एक रोज शॉपिंग करते वक्त प्रिया की मुलाकात अंजलि से होती है। प्रिया अंजलि को बताती है कि वो शादी करने वाली है। फिर अंजलि विकी को देखती है। विकी को देखते ही अंजलि को कुछ याद आता है। विकी भी अंजलि को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। अंजलि अपने होटल के रूम लौटती है और अपने बर्थडे पार्टी की फोटोज निकालती है। उन फोटोज में अंजलि अजय को देखती। अंजलि का शक सही निकला। अजय ही विकी है जिससे सीमा मिला करती थी। प्रिया और विकी की इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट में करण बिल्कुल अकेला है। करण दूर से बस अपने एक तरफा प्यार को प्रिया को बस देखते जाता है। पार्टी ख़त्म होते ही अंजलि का फ़ोन आता है। फ़ोन चोपड़ा मेंशन का स्टाफ उठाता है जिसे भूलने की बीमारी होती है। अंजलि उस स्टाफ को कहती है
कि प्रिया से उसे बात करनी है, मगर इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि अंजलि का फ़ोन अजय रिसीव करता है। अजय मदन चोपड़ा बनकर बात करता है। अंजलि कहती है कि उसके पास वो फ़ोटो है जिसमें सीमा के दोस्त की फ़ोटो है। अजय अंजलि की बात सुनकर चौकन्ना हो जाता है। अजय अंजलि का पता पूछता है और अगले ही पल काले सूट बूट और काले चश्मे में बिल्कुल मौत का फरिश्ता बनकर अंजलि के होटल पहुंचता है। अजय दरवाजे पर नॉक करता है। अंजलि दरवाज़ा खोलती है और फिर तुरंत अजय अंजलि का गला जकड़ लेता है। अजय अंजलि का दम घोट कर मार डालता है। फिर अजय अंजलि के एक बड़े ब्रीफकेस में फ़ोटो एल्बम खोजता है। अजय को फ़ोटो मिल जाता है। अजय अपनी फ़ोटो को मुंह में डालकर निकल जाता है। फिर अजय उसी ब्रीफकेस में अंजलि की लाश को डाल देता है और बड़े ही आराम से लोगों की नज़रों के सामने अंजलि की लाश को होटल से निकाल कर समुंदर किनारे ले जाता है। अजय अंजलि की लाश से भरी ब्रीफकेस को समुंदर में फेंक देता है। अगले रोज़ करण आता है प्रिया से मिलने। करण प्रिया को अंजलि के लापता होने के बारे में बताता है। थोड़े ही पल में विकी भी वहाँ पहुँचता है। करण विकी से इंक्वायरी करने लगता है, जिस पर विकी करण को जलील कर देता है। विकी प्रिया से विनती करता है कि सीमा को मरे अब 1 साल हो गया है, प्लीज़ उसे भुला दो और करण से दूर रहो। प्रिया फिर से उदास हो जाती है। अजय ऑफिस में होता है जब मदन चोपड़ा उसे अपने ऑफिस बुलाता है। अजय मुंह धोने वॉश बेसिन जाता है। जैसे ही अजय मुंह धोकर आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे नज़र आता है कि उसकी एक आँख की कॉन्टैक्ट लेंस गायब है। अजय पैनिक कर जाता है। इतना दूर आकर बस एक छोटी सी गलती से अजय का सारा प्लान फेल हो सकता है। अजय वॉश बेसिन के पाइप में देखता है। मदन चोपड़ा अजय के ऑफिस आ जाता है, पर अजय कॉन्टैक्ट लेंस खोजकर आंखों में लगा चुका होता है। मदन चोपड़ा अजय को बताता है कि काम के सिलसिले में उसे देश के बाहर जाना पड़ेगा। मदन चोपड़ा की गैर हाजिरी में चोपड़ा एम्पायर की बागडोर विकी मल्होत्रा के हाथों में होगी। मदन चोपड़ा विकी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता है। अब अजय को वो मिल चुका है जिसकी उसे तलाश थी। आज खुद मदन चोपड़ा ने अपनी बर्बादी का कागज़ अजय को दे दिया है। मदन चोपड़ा के जाते ही अजय पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके सारे चोपड़ा एम्पायर को अपने कब्जे में ले लेता है। सब कुछ अजय के प्लान के मुताबिक सही सही चल रहा है, मगर अजय के प्लान के उलट भी कुछ हो जाता है। अजय को प्रिया से प्यार हो जाता है। इसी बीच अंजलि की लाश पुलिस को मिलती है। करण का शक और गहरा हो जाता है। करण प्रिया से मिलकर अंजलि की मौत के बारे में बताता है। करण प्रिया को यकीन के साथ कहता है कि सीमा का कातिल अभी भी खुला घूम रहा है और उसी ने रवि और अंजलि का भी कत्ल किया है। अजय घर पर प्रिया का इंतज़ार करता है। जब प्रिया घर आती है तो अजय उससे सवाल करता है कि क्यों वो करण से छुप छुप कर मिलती है। प्रिया जवाब देती है कि करण ही है जो सीमा के कत्ल की तफ्तीश कर रहा है। प्रिया अजय को बताती है कि सीमा का कातिल अभी भी फरार है। अजय ये सुनकर शॉक हो जाता है। अजय प्रिया को फिर से चीयर अप करने के लिए डिस्को ले जाता है और दोनों ही नाचते गाते हैं। मगर डिस्को में होता है अजय का दोस्त असली विकी मल्होत्रा। विकी अजय को देखकर खूब खुश होता है। गाना ख़त्म होने के बाद विकी अजय को अजय कहकर पुकारता है। अजय विकी को देखकर कहता है कि शायद उसे गलत फहमी हो गई है। प्रिया बीच बचाव करके कहती है कि ये अजय नहीं विकी मल्होत्रा है। इसी पर विकी कहता है कि विकी मल्होत्रा मेरा नाम है, ये झूठ बोल रहा है। इससे पहले विकी और कुछ बोल पाता प्रिया को, अजय विकी को पीट देता है। अजय प्रिया को लेकर चला जाता है, मगर प्रिया को शक होने लगता है। प्रिया को पहली बार अजय पर शक होता है। प्रिया रात भर अजय की बताई हुई कहानी पर सोचने लगती है। अगले दिन मदन चोपड़ा आता है और अपनी कंपनी की नेम प्लेट पर शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज लिखा देखता है। मदन चोपड़ा गुस्से में बौखलाया अजय के पास आता है। अजय मदन चोपड़ा को बहुत जलील करता है। अजय मदन चोपड़ा को अपनी असलियत बताता है कि वो अजय शर्मा है, वही अजय शर्मा जिसके बाप को धोखा देकर मदन चोपड़ा ने सारी कंपनी अपने नाम कर ली।
आज अजय शर्मा का इंतकाम पूरा हुआ। प्रिया अपने मन की दुविधा को सुलझाने के लिए असली विकी मल्होत्रा के घर जाती है। असली विकी मल्होत्रा प्रिया को अजय शर्मा के बारे में पता। प्रिया विकी से अजय शर्मा के घर का पता लेकर अजय के घर जाती है। प्रिया अजय के घर में अजय की तस्वीर देखती है, जिसमें अजय की आंखों का रंग अलग था। प्रिया फिर पुराने पेपर के क्लिपिंग्स देखती है, जिसमें चोपड़ा द्वारा शर्मा एम्पायर को कब्जे में लेने की खबर थी। प्रिया अजय के बचपन की तस्वीर देखती है। फिर प्रिया को मिलता है सीमा का मंगलसूत्र, जिसमें अजय और सीमा की फोटो थी। प्रिया को उसकी बहन का कातिल मिल जाता है। तभी अजय प्रिया के सामने आ जाता है। प्रिया गुस्से में अजय को खूब कोसती है। फिर अजय अपनी कहानी बताता है कि कैसे गरीबी की मार झेलते झेलते उसकी दूध मुही छोटी बहन और उसके पापा मारे गए। अजय की माँ की तबीयत खराब हो गई। बचपन से ही अजय अपनी माँ की ममता से दूर रहा। पूरा बचपन वो सड़कों पर मेहनत करता रहा। इन सब का जिम्मेदार केवल और केवल मदन चोपड़ा था। अजय की कहानी सुनकर प्रिया का दिल भी पिघल जाता है और उसे भी अपने पापा से घिन आने लगती है। तभी मदन चोपड़ा अपने पाले हुए गुंडों के साथ अजय के घर पहुंचता है और अजय को गोली मारकर लहूलुहान कर देता है। प्रिया अजय को उठाती है। प्रिया अपने पापी बाप मदन चोपड़ा को कोसती है, पर मदन चोपड़ा प्रिया को हटाकर अजय को खूब पिटवाता है। अजय को लहूलुहान मार खाता देख अजय की माँ अपने होश में आती है और कई सालों के बाद उसके मुंह से आवाज़ निकलती है। अजय की माँ को मदन चोपड़ा पीटता है और उसे नीचे गिरा देता है। अपनी माँ के सर से निकलते खून को देख अजय बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा अजय आज अपनी माँ की खून को देखकर मदन चोपड़ा के गुंडों को बेरहमी से पीटकर उनकी हड्डियाँ तोड़ देता है। अजय के प्रतिशोध की आग में सारे जलने लगते हैं। मदन चोपड़ा अजय से बचता बचाता एक जगह छुप जाता है। धोखे से मदन चोपड़ा अजय के पेट में छड़ भोंक देता है। मदन चोपड़ा सोचता है कि अजय का काम तमाम हो गया, मगर अजय मौत का फरिश्ता बनकर हंसने लगता है और मदन चोपड़ा को मार डालता है। आज अजय ने अपनी माँ के ऊपर किए मदन चोपड़ा के अन्यायों का इंतकाम ले लिया है। अजय अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की गोद में सर रखकर अरसों से ममता के लिए तड़प रहे अपने मन को शांत करता है। अजय अपनी माँ की गोद में मर जाता है और बाजीगर फिल्म खत्म होती है।